तो दोस्तों सेल का मौसम आ चुका है और यहाँ पे हम सभी तैयार हैं लूट मचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लूट ऑफर्स मिले हैं हमें अमेजोन की सेल में और फ्लिपकार्ट की सेल में। बट यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजोन सेल में आपको कौन से बेस्ट ऑफर्स मिल जाते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर, स्मार्ट वॉचेस के ऊपर, और कौन सा आपको टैबलेट बाय करना चाहिए। मैं टैबलेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही टैबलेट ऐसा लगा है जो एक थोड़े से बजट में भी आ रहा है सबके और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टैबलेट है, तो वो आप भी समझ गए होंगे वैसे तो, लेकिन बाद में बात करते हैं इस वीडियो में। बाकी दोस्तों स्वागत है आपका जेजी फोर टेक की इस नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और यहाँ पे जितने मैं आपको प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके सबको चेकआउट कर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। गाइस सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्मार्टफोन्स के ऑफर्स की, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको 11,000 रुपये से लेकर 30-35,000 रुपए के ऑफर्स जिसमें आपको बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर मिल रहे हैं अमेजोन के ऊपर खाली। फ्लिपकार्ट पे तो अलग मिल ही रहे हैं, लेकिन अमेजोन के जो ऑफर्स बता रहा हूँ वो आपको बताता हूँ कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था Redmi 10 Prime। अब ये वाला स्मार्टफोन मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन 12,500 का लॉन्च हुआ था डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे पहले 12,000 रुपए का पड़ रहा है, बट उसके साथ साथ ही आपको बैंक डिस्काउंट 10% का अलग से मिल रहा है, जिसको लगाने के बाद आपको 1200 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसको 12,000 रुपये का खरीदते हैं तो यहाँ पे 10,800 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। यार ये मोबाइल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक वैल्यू ऑफर कर रहा है आपको, अमेजोन के ऊपर ये मोबाइल मिलता तो इस वाले मोबाइल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस है। और G88 है यहाँ पे, 90Hz की IPS डिस्प्ले मिल रही है, 6000mAh की बैटरी है, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इसकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर भी है तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ये था पहला स्मार्टफोन ऑफर जो आप अमेजोन के ऊपर ले सकते हैं 10,000 या 11,000 रुपये के आसपास। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑफर है वो आ जाता है रेडमी की ही तरफ से, रेडमी नोट 10S। अब दोस्तों जो नोट 10S आया था वो आया था सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, यहाँ पे उसमें आपको साथ ही साथ हीलियो G95 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में। यार मैंने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में यूज़ कर लिया उसे और बहुत ज़्यादा तगड़ा ये वैल्यू दे देता है आपको गेमिंग वगैरह के मामले में। और यहाँ पे 13,000 रुपये इसकी प्राइस है दोस्तों, प्लस उसमें 1300 बैंक डिस्काउंट भी आप ऐड कर लीजिए तो आपको करीब करीब काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा 11,700 के आसपास, तो काफ़ी अच्छी डील आपके लिए बन जाएगी ये वाली भी। तो दोस्तों उसके बाद ऑफर आ जाता है एक थोड़े से महंगे फ़ोन का, वो आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G। अब ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड था इस सेल में, क्योंकि ये वाला फ़ोन काफ़ी पहले से अमेजोन टीज कर रहा था और ये बिगेस्ट डील के थ्रू बताया जा रहा था कि बिगेस्ट डील ऑफ द ईयर है। क्यों है यहाँ पे ये वाला जो फ़ोन है आपको मिल रहा है दोस्तों 34,000 का ओनली, जिसमें स्नैपड्रैगन 865 है, सैमसंग का वन यूआई मिल जाता है, साथ ही साथ नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है और प्रो ग्रेड कैमराज मिल जाते हैं यार यहाँ पे, और यहाँ पे 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन वगैरह भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है सैमसंग की तरफ से और ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है दोस्तों, आपको 34,000 का मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। और ये बैंक ऑफर्स के साथ वाला प्राइस बता रहा हूँ मैं, अगर आप बैंक ऑफर्स के बगैर लेते हैं तब उसका प्राइस है 36,999, यानी कि 37,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपके पास बैंक नहीं है। लेकिन ऑफर तो सब क्लेम कर ही लेते हैं बैंक का, सबके पास ही आजकल कार्ड्स होते हैं HDFC का, सो उसके थ्रू आप ले सकते हैं इसको 34,000 में, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डील। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं Mi 11X की, तो Mi 11X 5G फ़ोन है, 870 स्नैपड्रैगन के साथ आता है, 120Hz की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है आपको यहाँ पे और काफ़ी ठीक कैमराज मिल जाते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको ग्लास बैक वगैरह मिल जाती है, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। ये वाला फ़ोन 27,500 रुपये के आसपास आपको वैसे मिल रहा था बिना सेल के, लेकिन अब सेल में दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको कितने का पड़ रहा है, HDFC अगर आपके पास बैंक कार्ड है उसके साथ आपको 6,000 फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे आपको ये फ़ोन पड़ रहा है 21,000 का। 21,000 में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल रहा है, 120Hz की सुपर एमोलेड मिल रही है डिस्प्ले 6.67 इंचेस की, और काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा पैकेज बनाती है इस वाले फ़ोन को इस प्राइस पर। तो डेफिनेटली से आप ये वाला फ़ोन बाय कर सकते हैं अगर आपका बजट है 20-22,000 रुपये, ये वाला फ़ोन एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चॉइस होने वाली है आपके लिए। दोस्तों Mi 11X की बात कर ही ली है तो X Pro की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे Mi 11X Pro जो है वो वाला उसका जो प्राइस था दोस्तों वो 38,000 के आसपास था, 36,000 ऐसे कुछ था उसका प्राइस जब लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों सेल में उसका प्राइस कितना है वो पता है, 30,000 का आपको मिल रहा है वो वाला फ़ोन आफ्टर बैंक डिस्काउंट्स। तो यहाँ पे डिस्काउंट के बाद आपको 30,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 888 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले और वही बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं 30,000 रुपये के अंदर।
तो अगर आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की गेमिंग करनी है तो ये वाला फोन आपके लिए डेफिनेटली से बहुत ज्यादा तगड़ा है और 30,000 में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी डील है। लेकिन वहीं पे S20 FE 5G खरीद लेना अगर आपको सैमसंग और क्लीन UI वगैरह चाहिए तो सैमसंग आप यूज कर सकते हैं। और मतलब उसका UI थोड़ा सा बेटर लगता है, हालांकि उसमें भी थोड़े से ब्लॉटवेयर सैमसंग दे ही देता है हर अपडेट के थ्रू, बट वहाँ पे वो रिमूव भी कर रहा है सैमसंग। तो आपकी चॉइस है Mi 11X, अगर 30,000 टाइट बजट है तो ये वाला डेफिनेटली से आप चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं Mi 11X Pro को भी। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन था, 13-14,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस थी जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद इंक्रीज हुई थी, मतलब 13-13,500 रुपये का मिल रहा था, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव था पहले, बट अब अमेजोन पे भी मिल रहा है, Realme Narzo 34G। ये वाला फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मैंने इसको यूज़ करा और बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग कर लेता है ये, क्योंकि 90Hz की इसमें डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छे खासे इसमें गेमिंग आप कर सकते हैं, G95 प्रोसेसर यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये चीपेस्ट फ़ोन था G95 के साथ, बट यहाँ पे अब सेल में कितना मिल रही है, तो सेल में दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपये वैसे ही है, अगर आप बिना डिस्काउंट की बात करें तो बिना बैंक डिस्काउंट की 12,000 रुपये का वैसे मिल रहा है आपको बेस वेरिएंट, प्लस बैंक ऑफर्स आपको मिल रहे हैं 10%, तो बैंक ऑफर आप लगा लीजिए 10%, तो यहाँ पे 10,800 रुपये में आपको G95 मिल रहा है, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। अब आप कहेंगे Redmi 10 Prime से बढ़िया डील ये लगी, तो हाँ लगी डील बढ़िया, लेकिन उसकी कुछ अच्छी खासियत है, उसकी डिज़ाइन वगैरह तगड़ा है, उसका कैमरा थोड़े बेटर है Narzo 30 से, तो वो एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, बट यहाँ पे जो ऑफर्स हैं मैंने आपको बताए हैं वो ये कुछ इस तरह से स्मार्टफोन्स के ऊपर जो बेस्ट मुझे लगे अभी तक मैंने जितने भी चेकआउट करे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तगड़े रहेंगे 10,000 से 15,000 के बीच में जो मैंने बताया, या फिर 20, 30 और 35,000 तक मैंने जो 3-4 मोबाइल बताए, तो ये वाले आप डेफिनेटली से चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी की, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लगे आते दोस्तों साथ साथ ही स्मार्ट वॉचेस की बात कर लेते हैं, स्मार्ट वॉचेस बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं आजकल, पहन रहे हैं, और डेफिनेटली से एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड बन चुका है और बजट स्मार्ट वॉचेस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है आज की डेट में। तो यहाँ पे आपको बजट की बता देता हूँ कुछ स्मार्ट वॉचेस, और यहाँ पे साथ ही साथ एक प्रीमियम वॉच भी बताऊँगा जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और वो बहुत ज़्यादा तगड़ी डील लगेगी आपको भी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बजट वॉचेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3-4,000 रुपये का प्राइस है सभी का, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको एक ऑफर ये दे रही है। तो सबसे पहले आती है बोट की वॉच एक्सटेंड, अभी वाली वॉच जो थी लॉन्च हुई थी 3,000 या 3,200 ऐसे कुछ, अभी आपको सेल प्राइस में मिल रही है 2,200 रुपये की, तो जाके ले लीजिए। इसकी स्क्रीन साइज 1.69 इंचेस का है, अगर आपको बड़े डायल की वॉचेस पसंद है, स्क्वायर डायल है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, इसकी फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तो ये आप जाके ले सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वॉचेस की, बट हाँ ये कुछ इस तरह से ऑफर्स जो बता रहा हूँ आप चेकआउट कर सकते हैं सारे जाके। तो दोस्तों उसके बाद है हमारी नॉइस की तरफ से, नॉइस कलरफिट अल्ट्रा द बेस्ट ऑफर अंडर 5,000। ये दोस्तों 4,500 रुपये की लॉन्च हुई थी और 4,500 रुपये इसका प्राइस था पहले सेल के, सेल में दोस्तों इसका प्राइस जो है वो है 3,000 रुपये सिर्फ, और 3,000 रुपये में आपको 1.75 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिल रही है जो कि IPS है ऑब्वियसली, बट इसकी जो ब्राइटनेस है पीक ब्राइटनेस वगैरह वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है। 3,000 में ये वाली बेस्ट स्मार्ट वॉच लगी मुझे, तो डेफिनेटली आपको इसको चेकआउट कर लेना चाहिए, एंड अगर आपको 3,000-4,000 के अंदर कोई वॉच लेनी है तो ये वाली आप डेफिनेटली से बाय कर सकते हैं दोस्तों। लगे तो साथ ही साथ रियलमी की तरफ से भी आ जाते हैं रियलमी वॉच 2 प्रो, ये वाली वॉच जो है दोस्तों 5,000 रुपये की लॉन्च हुई थी और 5,000 से अब इसका जो प्राइस है घट के 4,000 रुपये आ चुका है। 4,000 रुपये में आपको एक काफ़ी अच्छी वॉच मिल जाती है, इसमें आपको GPS भी मिल जाता है, तो अगर आपको GPS वाली वॉच चाहिए तो 4,000 में इससे बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए नहीं है कोई भी, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन एक लगा मुझे ये वाला, तो डेफिनेटली आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉचेस तो काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग को स्मार्ट बैंड्स पसंद आते हैं। स्मार्ट बैंड बोलते ही मुझे सिर्फ एक बैंड याद आता है जो मेरा फेवरेट अभी तक का, वो है ऑनर बैंड 5, जो कि मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ करा था और बहुत ज़्यादा तगड़ा था वो बैंड। उसकी सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले इतनी स्मूथ थी, इतनी ज़्यादा ब्राइट थी यार दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमाल थी। उसी का जो अपग्रेडेड वर्जन आया था इस साल ऑनर बैंड 6 जो कि 4,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, 3,000 रुपये का प्राइस मिल रहा है आपको दोस्तों सेल में, तो डेफिनेटली अगर आपको चौड़ी स्क्रीन है उसकी काफ़ी ज़्यादा, तो बड़ी स्क्रीन वाला आपको स्मार्ट बैंड चाहिए, स्मार्ट वॉच जैसा ही फील दे देगा आपको, तो वो वाला आप डेफिनेटली से जाके चेकआउट करिए सेल में, 3,000 रुपये का है, बाय कर लीजिए अमेजोन पे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ही लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक प्रीमियम वॉच की, जो मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ऑफर लगा मुझे, वो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। अब ये वाली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वॉच है, काफ़ी अच्छी वॉच है, एंड लास्ट ईयर वाली वॉच है और बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ भी आती है ये वाली वॉच। दोस्तों इसका प्राइस जो है आपको कितने का मिलेगा, 14,400 रुपये का सिर्फ बैंक डिस्काउंट के साथ। अब ये जो लॉन्च हुई थी 25,000 के आसपास का इसका प्राइस वगैरह था,
14,400 में इसको मिल रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, सैमसंग की वॉच है। और आपको डेफिनेटली अगर आप प्रीमियम वॉचेस की तरफ जाना चाहते हैं तो 15,000 रुपये के अंदर ये वाली वॉच काफ़ी अच्छा ऑफर आपको प्रोवाइड कर रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब सारे ऑफर्स के बारे में बात कर लिए हमने, लास्ट जो मैंने आपको बताया था टैबलेट्स में एक ऑफर बताऊंगा वो है iPad Air 2020 या फिर iPad Air 4th जनरेशन जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, A14 बायोनिक चिप के साथ रेटिना डिस्प्ले आपको मिल जाती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है, काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है और एप्पल का प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी रहेगा। iPad OS 15 पे अभी ये चल रहा है, 14 पे आया था, अब 15 का अपडेट आ चुका है। तो ये वाला जो टैबलेट है दोस्तों बेस्ट कहना चाहूँगा मैं आपको, वर्थ करता है इस वाले प्राइस पे, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 42,964 GB वाले वेरिएंट के लिए, और ये वाला जो है वाईफाई ओनली वेरिएंट है, जो कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं वाईफाई ओनली वाले वेरिएंट ही। 64 GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्राइस है 42,900, लेकिन रुको थोड़ा सा और सब्र करो, प्लस यहाँ पे बैंक डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद जो आपको मिल जाता है इसका प्राइस वो है 38,900 रुपये या फिर 39,000 आप कह सकते हैं। तो 39,000 रुपये के अंदर आपको iPad Air 4 मिल रहा है, जिसमें A14 बायोनिक चिप है, लास्ट ईयर वाली, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी स्मूथ एनिमेशन होता है iPad के भी, जो Apple के प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी उनके, तो एक प्रीमियम टैबलेट है दोस्तों, आपको 40,000 रुपये के अंदर मिल रहा है। अगर आपका बजट है ना 40,000 रुपये और टैबलेट देख रहे हैं तो इससे बेस्ट टैबलेट हो ही नहीं सकता आपके लिए अभी के लिए, ये वाला डेफिनेटली। अब ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने बहुत ज़्यादा सुना इसके बारे में, बहुत ज़्यादा देखी है इसकी वीडियोस, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन देखे, तब जाके मुझे पता चला है कि ये वाला प्रोडक्ट एक वर्थ वैल्यू करता है 40,000 रुपये के अंदर भी। अगर ये 50,000 का भी होता तब भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा था, लेकिन अब तो और भी कम हो गया इसका प्राइस, तो आपके लिए डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डील है। तो दोस्तों फाइनली ये सारी डील्स मैंने आपको बता दी स्मार्टफोन स्मार्ट वॉचेस एंड iPad Air 2020 की, उम्मीद करता हूँ आपको सारी डील्स पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपको इसमें से कुछ प्रोडक्ट लेना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स हैं काफ़ी सारी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, चेकआउट के आप बाय कर लीजिएगा उसी लिंक से, थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा हो जाएगा, चैनल को ग्रोथ में मदद मिलेगी, आपका फायदा करवाया मैंने, अब आप हमारा थोड़ा सा करवाइए। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपका वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, मैं मिलता हूँ उससे नई वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।